एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध गंगा नदी के तट पर स्थित एक उपवन में अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। दिव्यक नामक एक व्यक्ति भगवान बुद्ध की ख्याति सुनकर उनके पास पहुंचा। उनके दर्शन से उन्हें अपार शांति मिली। उसने एकांत में उनके पास पहुंचकर विनम्रता से कहा, प्रभु मुझे उपदेश दें जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। बुद्ध ने पूछा, क्या मेरे उपदेश पर आज से ही अमल करोगे? उसने कहा, ऐसा वचन देना तो बहुत मुश्किल है, तो अभी वापस लौट जाओ। मन में यह पक्का तय करके ही आना कि उपदेश पर पूरी तरह अमल करोगे, क्योंकि उपदेश सुनने के बाद तुम तमाम दुगुणों, हिंसा, असत्य वचन, लोभ आदि का त्याग कर सकोगे, तभी ये उपदेश देने का सार्थक होगा। दिव्यक ने फिर अनुरोध किया, आप आज ही उपदेश देने की कृपा करें, उसमें से कुछ पर फौरन अमल करने का प्रयास करूंगा। मेरे अंदर बहुत सारे दुगुण हैं, उन्हें एक साथ कैसे छोड़ा जा सकता है? एक एक करके उन्हें छोड़ने की कोशिश करूंगा। बुद्ध समझ गए कि दिव्यक अपना जीवन बदलने का संकल्प ले चुका है, इसलिए वह उपदेश देने का आज ही आग्रह कर रहा है। वह मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से ही सत्य बोलने का संकल्प ले लो। तुम आज ही सत्य आचरण करना शुरू कर दो, एक महीने बाद आकर और उपदेश ले जाना। एक सप्ताह के बाद ही दिव्यक उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान सत्य आचरण ने मेरे अन्य दुगुण भी दूर कर डाले, आज से मैं आपके शरण में ही रहूंगा। दिव्यक का जीवन बदल चुका था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।